नमस्कार आदाब, मैं फरदीन शेख, आप देख रहे हैं MM टाइम न्यूज। कोरोना की इस महामारी में जहां लॉकडाउन का समय बढ़ता जा रहा है, वहीं लोगों और व्यापारियों की बहुत गंभीर हालत चल रही है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन फिक्स नहीं है, लेकिन जहाँ कोरोना की संख्या 10 से कम या 10 है, वहाँ 2 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। उसी के चलते लोगों और व्यापारियों की बहुत गंभीर हालत हो चुकी है। आज हम आपको सोशल मीडिया पे वायरल हो रही एक वीडियो बताने जा रहे हैं। कहा जा रहा है ये वीडियो उल्हासनगर हिल एंड पुलिस स्टेशन के पास की गारमेंट की दुकान की है, जहां थाने मनपा के कर्मचारी दुकान पर कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। उस व्यापारी ने अपना दर्द जताते हुए थाने मनपा के कर्मचारियों से क्या कहा, आइए सुनते हैं उसी व्यापारी की जुबानी। जूता बाहर निकालने का, जूता दुकान के बाहर निकाल के आओ। ठीक है ठीक है, आप काम करो काम करो काम करो। आप जूता निकाल के आ जाइए सर। हो गया सर, कैमरा बंद हो गया आपका? नहीं, चालू है। तो मेरा भी चालू रहेगा। हाँ बोलिए। रखो उधर तो रखो ना। क्या रखो, आप बात कीजिए ना। परमिशन है तुमको? हाँ परमिशन है। किस चीज़ का परमिशन है? आप 2 महीने से बंद है, 2 महीने से भूखे मर रहे हैं। परमिशन आप आए मेरे घर पे या किसी के आम जनता घर पे गए कि आप भूखे हैं प्यासे हैं पूछने आए, या आपका अधिकारी प्रशासन पूछने आया? कोई आया महानगर पालिका या पुलिस प्रशासन कोई आया पूछने के लिए? बताइए कोई आया हो तो आप बताइए कि हाँ, इस चौखट पर इस आदमी के पास दरवाजे पर गए, इस औरत है, इसके घर में माँ बाप बीमार हैं, उसको दवा चाहिए, वो बुढ़ा आदमी है, उसके घर में बीमार आदमी है, वो बंदा है, उसके घर में तकलीफ है, हमारे घर में तकलीफ, तो इसको कोई राशन पानी देने के लिए आया? अपनी मर्जी से दुकान चालू करके बैठे हो? को दुकान अपनी मर्जी से नहीं चालू, ओ अपनी मर्जी से हमने दुकान नहीं चालू किया, हम अपनी मर्जी से दुकान नहीं चालू किया है। आप कहाँ से आए हैं? महानगर पालिका से। ठीक है, एक मिनट मैं ऐसे, आप मेरे को जो बोल रहे हो उसका रिप्लाई दे, आप रिप्लाई दीजिए कुछ भी दीजिए। ये पंखा बंद करो, पेशमैन पंखा बंद करो। ये महानगर पालिका को लेटर मैंने दिया हूँ, ठीक है, 17 तारीख को, उनको 10 दिन का मैंने समय भी दिया था, अल्टीमेटम पढ़ लीजिए। तो महानगर पालिका का लेटर है, उल्हासनगर महापालिका डेट रही है 17 मई, आज 17 मई है, 27 मई है, 11-12 दिन हो गया, लेटर पढ़ लीजिए। अब तो करना क्या है, रिप्लाई बताओ ना मेरे को। तो क्या रिप्लाई करना है, महानगर पालिका का काम है। क्या करना है, आपने उधर एप्लीकेशन दिया है, परमिशन मिला है क्या आपको? परमिशन देना ना देना महानगर पालिका का काम है। आपके इधर इतने लोग बैठे हैं, किसी का भी आपने आर्टिफिशियल टेस्ट करवाया है क्या? लाखों कंपनियां खुली है, लाखों मॉल खुला है, ऑनलाइन बिजनेस चालू है। बात सुनो भाई साहब, पहले मास्क लगाओ। मास्क, हाँ ये मास्क लगा लेते, मास्क लगाओ, ले लीजिए मास्क लगा लेते। मेरा मास्क किधर गया? हाँ बुला ली, बुलाई वहाँ भी, हिल्लाइन पुलिस चौकी जो फोन है वहाँ भी जा रहा हूँ, बुला ली, मास्क लगा लिए। बोलिए, आरटीपीसीआर किसी का कराए? क्या चीज़ का कराए? आदमी भूखा मर रहा है, पहले पेट का देखे यहाँ पे क्या खा रहा हूँ, ये देख लो यहाँ पे क्या खा रहा हूँ, 24 रुपया का वड़ा पाव मंगा के खा रहा हूँ। हाँ आप हमारे ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप लोग का फर्ज है। दुकान खोल के बिना परमिशन के बैठे हो? दुकान हमारी है, दुकान हमारी, बिजनेस धंधा हमारा, रोजी रोटी हमारी है, परमिशन किससे लेने जाएगा, किससे लेने जाएगा? सरकार का काम है आदमी को, जनता को घर के अंदर बंद करके रखा है तो उसके लिए सुविधा सोचे ना। 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं मैंने क्या, बाकी क्या कैसे खाएगा? अपनी मर्जी से दुकान चला, अपनी मर्जी, किस चीज की मर्जी का? हम अपनी मर्जी का, हम गवर्नमेंट का साथ देते समर्थन करते, लॉकडाउन करे जितना दिन का लॉकडाउन करना उतना दिन का लॉकडाउन करे, पर हमें राशन पानी तो दे, हम भूखे कब तक मरेंगे? कौन से ऑफिस में बताए, किस ऑफिस में बताए? आप गली गली घूमते हैं, हजारों को पकड़ते हैं, हजारों दुकानों को पकड़ते हैं, आपका काम है कि इतने लोग भूखे मरे, इन लोगों को कुछ सुविधा दीजिए, हमको घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं, हेलो आप, यानी आप हमारे लिए नहीं, जनता के लिए नहीं नौकरी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, सरकार के लिए कर, सरकार किसके लिए सुविधा के लिए आप रखे? क्यों जनता को पकड़ रहे, जनता भूखी है, लोग कहाँ जाएंगे? लेके जाओ ना सबका मुद्दी, कहाँ पे लेके जावे? आप मेरे को क्यों बोल रहे हो? आप मेरे पास आए हैं तो मैं आपको बोलूंगा सर, आप मेरे पास आए मैं आपको बोला हूँ,
मैं आप मेरे पास आए मैं आपको बोलूंगा। अभी हिल लाइन पुलिस चौकी जो फोन आया वहां पे मैं जा रहा हूँ हिल लाइन पुलिस चौकी। ये लेटर एक महानगर पालिका को नहीं गया, राष्ट्रपति को लेटर गया, प्रधानमंत्री को गया, उद्धव ठाकरे को गया है, जिला कलेक्टर को गया है, और तुम्हारे पुलिस अधिकारी प्रतिमंडल को भी गया है, जिसको आप बुलाए पुलिस को बुलाए सबको लेटर दिया है, सबको बुलाऊँ कि 10 दिन में मुझे जवाब चाहिए। ये देखिए इधर गया, किसी का आरटीपीसीआर कराएगा आपने भाई? ये देखिए पुलिस उपयुक्त परिमंडल 4 उल्लासनगर करता, सबको लेटर दिया हूँ, ऐसे ही नहीं किया हूँ। रुक जरा 1 2 3 4 5 हाँ जितनी जितनी लोग होते मैं क्या पूछ रहा हूँ, किसी का भी आरटीपीसीआर टेस्ट कराया है? नहीं, हमारे खाने को पैसे नहीं है तो आर्टिकल से कुछ भी चेकअप कराने का पैसा कहाँ से आएगा? हाँ बताइए बताइए बताइए। कल इधर यात्री यात्री निवास में कल प्रिया पार्कर म्युनिसिपैलिटी की तरफ से सबको लेके जाओ। शुक्रवार है तुम्हारा रहेगा क्या? कारखाना बंद रहेगा या चालू रहेगा? हमारा कारखाना अभी हमेशा चालू रहेगा। अच्छा, हमेशा चालू रहेगा, हम कभी बंद करेंगे? चालू रहेगा, हाँ ओके हमेशा चालू रहेगा। मैंने उसमें लेटर में दिया हूँ, आगे समाज को देश की जनता को आगे भविष्य में कहीं भी कष्ट सहने की ताकत नहीं है। टेस्ट कराओ गवर्नमेंट की तरफ से, आप टेस्ट करा, ठीक है कल जाके चेक करा लेंगे, ठीक है लेके जाओ। ओके ओके कल जाके करा ले। नाश्ता करना, आइए नाश्ता करिए, आप भी करिए मैं भी करता हूँ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।